Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will be covering the types of mattresses. This is the lecture 3 of the chapter mattresses. इस वीडियो में हम मैट्रेसेस के टाइप्स जो हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे या बेसिक टाइप्स जो हम लोगों को क्लियर होने चाहिए कि क्या क्या टाइप्स होते हैं मैट्रेसेस के, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन द टाइप ऑफ मैट्रेसेस. द फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रेस और मैट्रेसेस दैट वी विल बी कवरिंग इज द कॉलम मैट्रिक्स. ओके, फर्स्ट वन इज द कॉलम मैट्रिक्स. ओके, सो कॉलम मैट्रिक्स जो होता है, इट इज अ मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन कॉलम होता है. इट इज रिगार्डलेस कि कितने नंबर ऑफ रोज हो, बट कॉलम मैट्रिक्स में इट इज अ प्री रिक्वेस्ट कि हमारा कॉलम मैट्रिक्स का एक ही होना चाहिए. ओके, सो अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम regardless of the number of rows. Okay, so कुछ कॉलम मैट्रिक्स की एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा. सो एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 0, 1, √2. सो ये हमारा एक कॉलम मैट्रिक्स है. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है. प्री रिक्वेस्टेड हमारा क्या है कि एक ही कॉलम होना चाहिए. तो इसका मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हुआ हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3×1. सिमिलरली हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, √2, 3, 4. तो ये हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 4×1. सो ये भी हमारा एक कॉलम मैट्रिक्स है. सो इन जनरल फॉर्म कि एक मैट्रिक्स ए जो है वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा जब उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे फॉर्म में. अगर आपको एलिमेंट्स के बारे में क्लियर नहीं है तो प्लीज लास्ट वीडियो देखो, उससे आपको पता चलेगा कि जर्नल फॉर्म हमारा जो एलिमेंट्स का रिप्रेजेंट करने का एक मैट्रिक्स में होता है वो होता है स्मॉल ए विद सबस्क्रिप्ट आई जे, जहां पे आई जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है रो नंबर को और जे हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉलम नंबर को. सो एक मैट्रिक्स ए हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जर्नल एलिमेंट्स ए आई जे का ऑर्डर क्या होगा हमारा मैट्रिक्स का? m×1. नंबर ऑफ रोज रिगार्डलेस, मैंने जैसे डेफिनेशन में बताया कि कितने भी नंबर ऑफ रोज हो तो जर्नली m से रिप्रेजेंट कर रहा. और कितने कॉलम होने चाहिए? प्री रिक्वेस्टेड वन कॉलम. कितने कॉलम? वन कॉलम. सो हमारा हो गया ये कॉलम मैट्रिक्स. सेकेंड मैट्रिक्स जो हम कवर करेंगे सिमिलरली एक रो मैट्रिक्स. ओके, सो सिमिलरली आप कॉलम मैट्रिक्स से समझ ही गए होंगे कि रो मैट्रिक्स का हमारा एक प्री रिक्वेस्ट होगा कि मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, इफ इट हैज ओनली वन रो, रिगार्डलेस कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो. तो कुछ रो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल लेते हैं क्विकली. एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 3, 1, √2. जैसे ये एक मैट्रिक्स है तो इसमें हमारा नंबर ऑफ रोज क्या है? 1. तो ये एक हमारा रो मैट्रिक्स हुआ क्योंकि हमारा ये प्री रिक्वेस्ट है कि मैट्रिक्स में हमारा एक ही रो होना चाहिए रिगार्डलेस कि कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो. तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1×4. ओके, सो आप रो मैट्रिक्स समझ ही गए होंगे. तो जर्नली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रो मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स ए हमारा रो मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, क्या ऑर्डर होगा? 1×n. मैंडेटरी वन रो कॉलम कितने भी. ओके, सो आई होप रो मैट्रिक्स भी आपको क्लियर हो गया होगा. थर्ड मैट्रिक्स जो अब हम कवर करेंगे वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझ ही गए होंगे. बेसिकली स्क्वायर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्क्वायर हमारा एक प्री रिक्वेस्ट होता है कि एक पॉलीगन या एक रेक्टेंगुलर हमारा कब स्क्वायर बनता है? जब उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है. तो सिमिलरली रो मैट्रिक्स, जब हम मैट्रिक्स को एक रेक्टेंगुलर टेबुलर फॉर्म में, जब रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं नंबर्स को, जो मैंने आपको डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मैट्रिक्स जो होती है बेसिकली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होती है, उसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं. तो रेक्टेंगुलर हमारा कब स्क्वायर बनता है? जब उसके कॉलम
और रो इक्वल होगी। एज सिमिलरली जब बेसिक डेफिनेशन स्क्वायर की होती है कि लेंथ और ब्रेथ इक्वल होनी चाहिए, सिमिलरली आप समझ जाओगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगी। क्योंकि सिमिलरली आप पता ही आपको कि वर्टिकल लाइन जो होती है हमारी वो रिप्रेजेंट करती है कॉलम को, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है रो को। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, सो हम एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है सी, जिसमें हमारे पास रोल एलिमेंट्स या नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या है नंबर ऑफ रोज? 2। क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स? 3। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। अब क्या ये हमारा है? यस, नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो ये ऑर्डर है 3x3। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम जब जर्नल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एक मैट्रिक्स ए जो है हमारा रिप्रेजेंट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम क्रॉस एम। ये आपको पता है जर्नली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रीरिक्विजिट क्या है? कि नंबर ऑफ रोज एम और नंबर ऑफ रोज एन इक्वल होने चाहिए। तो एम इज इक्वल टू एन, विच एक्सप्लेन्स कि जर्नल ए हमारा मैट्रिक्स जर्नल स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब इसका रिप्रेजेंटेशन होगा ऐसे। ओके, एम और एन हमारा इक्वल होना चाहिए। आई होप अब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स भी क्लियर होगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स का टाइप जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है आपको डायगोनल मैट्रिक्स है कि ये कुछ ना कुछ डायगोनल एलिमेंट्स के रिलेटेड है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है हमारा, वो मैट्रिक्स होता है जब हमारे डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे। तो आपको पता है ना कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने एक एज्यूम करा, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का, जिसमें हमारे ये 9 एलिमेंट्स होंगे। कैसे? 3x3, 3×3, 9। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारा, जैसे हमारे पास ये है, तो ये जब हमारे ये होंगे, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंटेड होते हैं वो एलिमेंट्स ए आई जे, जब हमारा आई इज इक्वल टू जे होता है। जैसे a11, a22, a33। जब आप इसको जर्नल एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली वो मैट्रिक्स है जिनका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है। ओके, सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स हमारा वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स में तो वैल्यू होती है, लेकिन ऑल दी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे इक्वल टू जीरो होंगे। ओके, सो लेट्स कंसिडर फ्यू एग्जाम्पल्स डायगोनल मैट्रिक्स को और क्लियर करने के लिए। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है डी, जिसमें हमारे पास कुछ है वैल्यूज लाइक जिसका ऑर्डर लेट्स अज्यूम कि 3x3 है। सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर लिया तो 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3। लेट इज अज्यूम कि हमारे पास ये है। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? डायगोनल एलिमेंट्स क्या हुए? नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। यस, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं ई, जिसमें हमारा ऑर्डर है 2x2, 1, 0, 0, -1। क्या ये बताओ डायगोनल मैट्रिक्स है? इसका क्या हुआ हमारा एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन जनरल फॉर्म? a11, a12, a21, a22। सो देख लो, ये हमारे दो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनमें वैल्यू है या नॉन जीरो, और अदर देन ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स वो जीरो है। तो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स है। एंड जस्ट वन मोर थिंग टू क्लियर आउट कि डायगोनल मैट्रिक्स में हम जब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताते हैं उसमें हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं कि वो जीरो होने चाहिए। इसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं हमें गिवन अबाउट द डायगोनल एलिमेंट्स। जरूरी नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट्स को नॉन जीरो ही होना होता है, उनमें डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स हमारे जीरो हो सकते हैं। ऐसा कोई प्रीरिक्विजिट हमें डायगोनल एलिमेंट्स का नहीं गिवन, हमें सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की कंडीशन गिवन है कि डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं। ओके, सो आई होप आपको डायगोनल मैट्रिक्स भी क्लियर हो। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो फिफ्थ हम टाइप कवर करेंगे वो है हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स। ओके, सो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो हमारा बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स से ही
डेराइव्ड आउट है। तो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है हमारा वो एक डायगनल मैट्रिक्स होता है, या डायगनल मैट्रिक्स को हम एक स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगनल एलिमेंट्स आर सेम। ओके, सो एक डायगनल मैट्रिक्स हमारा स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाता है जब उसके नॉन डायगनल एलिमेंट्स तो जीरो है, क्योंकि वो एक डायगनल मैट्रिक्स से डिराइव्ड है। तो नॉन डायगनल एलिमेंट्स की जो कंडीशन हमारी डायगनल मैट्रिक्स में लगी है वो प्रीरिक्विजिट कंडीशन स्केलर मैट्रिक्स में भी फुलफिल होनी ही चाहिए। और सेकंड कंडीशन जो स्केलर मैट्रिक्स को कवर करनी है कि डायगनल एलिमेंट्स जो है हमारे वो सारे सेम होने चाहिए। ओके, सो मैंने आपको जो दो ऊपर डायगनल एलिमेंट्स के कंसिडर एग्जाम्पल्स बताए थे, अब आप उसमें मेरे को बताओ उनको देखकर क्या कि वो स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं। लेट्स कंसिडर फर्स्ट मैट्रिक्स ही। तो अब आप देखो कि इसके जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे जीरो हैं, तो डायगनल मैट्रिक्स तो ये है। नेक्स्ट कंडीशन की वो स्केलर मैट्रिक्स हमारा तब होगा जब डायगनल एलिमेंट जो है वो सेम होंगे। तो देखो डायगनल एलिमेंट सेम है क्या, नहीं, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अब हम मैट्रिक्स डी देखते हैं। नॉन स्केलर एलिमेंट्स जीरो है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड, सेकेंड कंडीशन डायगनल एलिमेंट्स आर सेम हो रहे हैं, तो येस मैट्रिक्स डी इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सिक्स्थ मैट्रिक्स जो हम टाइप कवर करने वाले हैं वो है हमारा जीरो मैट्रिक्स। अब आपको नाम पढ़ के ही समझ आ गया होगा कि जीरो मैट्रिक्स क्या है। जीरो मैट्रिक्स बेसिकली वो मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। ओके, सो ये तो आपको डेफिनेशन से ही समझ आ जाएगा कि कौन सा मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है कि नहीं है। सो इसमें मैं जल्दी से क्विकली एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 0 0 0, सो क्या ये हमारा जीरो मैट्रिक्स है? नो। एक मैट्रिक्स भी 0 0 0 0, क्या ये हमारा मैट्रिक्स जीरो है? यस yes, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो है। लास्ट मैट्रिक्स जो हमारा कवर करना है हमें वो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो बेसिकली कवर करता है दो वैल्यूज को, 1 और 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही दो वैल्यूज को कवर करता है। इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ यही दो वैल्यूज होनी चाहिए, आइदर 1 और आइदर 0। तो इसमें एक कंडीशन लगती है हमारी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें हमारे डायगनल एलिमेंट्स 1 होंगे और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे। तो आप समझ सकते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारा एक डेरिवेटिव ही है डायगनल मैट्रिक्स का। डायगनल मैट्रिक्स में भी हमारी एक कंडीशन होती है कि नॉन डायगनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होने चाहिए। वो कंडीशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लग रही है। सिमिलरली टू स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में ये होता है कि डायगनल एलिमेंट्स को सेम होना होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये कंडीशन है कि ऑल द डायगनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू 1। ये कंडीशन हमारी लगती है। सो जस्ट एक जर्नल फॉर्म में आपको बता देती हूँ, ये एक मैट्रिक्स ए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होगा जब उसके एलिमेंट्स ए आई जे जो हैं वो 1 होंगे। डायगनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? जब आई इज इक्वल टू 0 है, और अदरवाइज एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी? 0। ओके, सो एक एग्जाम्पल बताती हूँ क्विकली, वैसे आपको डेफिनेशन से ही समझ आ गया होगा। एक मैट्रिक्स है बी हमारे पास जिसका ऑर्डर है 3x3, 1 0 0 0 -1 0 0 0 1। ये मेरे को बताओ कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं। आपको देख के क्या लग रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? पहली ही कंडीशन क्या थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की? कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी ओनली कवरिंग टू वैल्यूज, आइदर 1 और 0। और आप देख सकते हो -1 कवर हो रही है, तो देख के पता चल रहा है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ओके, एक मैट्रिक्स और लेते हैं सी, 3x3 सेम, 1 0 0 0 1 0 0 1 1। ये मैट्रिक्स कंसिडर किया हमने। अब ये बताओ क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? फर्स्ट कंडीशन इट शुड कवर 1 और 0 वैल्यूज, वो कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? सेकंड मैंने आपको बताया ऑल दी नॉन डायगनल एलिमेंट्स या ऑल दी डायगनल एलिमेंट्स फर्स्ट कंसिडर द सेकंड कंडीशन, दैट इज जो मैंने लिखी ऑल द डायगनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू 1। सो चेक करो, 1 1 1, सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या है?
कि नॉन डायगनल अदरवाइज जब डायगनल मैट्रिक्स हमारा एलिमेंट्स का वर्क वन कर रहा है तो उसके अलावा जो भी हमारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स है इट शुड बी इक्वल टू जीरो. क्या ये जीरो है? नो. सो थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही. इट शुड बी जीरो तभी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स चलाएगा. अदरवाइज दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि थर्ड कंडीशन जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स वाली है वो फुलफिल नहीं हो रही. ओके सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हमने अभी कवर करे, 7 टाइप्स. सो यही मैट्रिसेस का हमारा यूज होगा चैप्टर में. इन केस अगर कोई और मैट्रिक्स हमारा किसी और एडिशनल एक्सरसाइज में यूज होता है तो वो मैं आपको उस टाइम पे कवर कर लूंगी. तो बेसिक स्टैंडर्ड यही टाइप के मैट्रिसेस हैं जो मैंने अभी कवर किए. इन केस आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. ओके सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके थैंक यू.